पीएसएल का दूसरा मुकाबला, पहला मुकाबला जबरदस्त हुआ तो ये मुकाबला भी अब उससे तगड़ा होने वाला है। तो सीट की पेटी बांध लें आप लोग, क्योंकि कराची वर्सेस क्वेटा का ये मैच महाजैकपॉट मैच होने वाला है। और इस मैच से रिलेटेड ही हम लोग बात करेंगे, कौन सी टीम जीतेगी, फुल कंपैरिजन करेंगे। सेशन खेलने वाले के लिए सेशन टिप्स दी जाएगी, फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाएगा, ड्रीम इलेवन पॉइंट ऑफ व्यू से, हेड टू हेड और ग्रैंड लीग में किसको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो आप, पूल एनालिसिस किया जाएगा, पंटर के हिसाब से चला जाएगा कि कैसा मैच हो सकता है, और टीम प्रीव्यू भी दिया जाएगा। तो जब हर चीज आपको यहाँ मिल रहा है तो वीडियो को मिस मत करिए, चाहे आप मैच खेलते हो, सेशन खेलते हो या ड्रीम इलेवन खेलते हो, हर एक चीज का यहाँ पे अच्छे से स्टैट्स बताया जाएगा। वीडियो को पूरा देखोगे तो लॉस में तो नहीं जाओगे, बल्कि आपको ये जरूर हो जाएगा आइडिया कि कैसे खेलना है, ये मैच कैसा घटेगा और कैसे आपको अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलनी है। क्योंकि अगर बिजनेस करने आए हो, प्रॉफिट बनाने आए हो, तो थोड़ा सा संघर्ष है भाई। ये मुंह उठा के आ गए जैसे तैसे खेल दिए, पीएसएल क्या मतलब हलवा है, इतना आसानी से पैसा बनता है कोई भी लाइन में, नहीं बाबू, थोड़ा तो परिश्रम करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो चलिए अब इसी रिलेटेड बात करते हैं। ये मैच भी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा 2:30 बजे से, ठीक है। अगर मैच खेलना हो तो आप मुझे जुड़ सकते हैं मेरे से, ये राठौर प्रेडिक्शन 07 आपको दिख रहा होगा, सब कुछ स्मॉल में है, जाइए ज्वाइन करिए, टेलीग्राम पे सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हो राठौर प्रेडिक्शन 07 को, यही चैनल है, बहुत सारे फेक है तो उनसे बचना है, एक ही नंबर से ऑपरेट करते हैं मेरे भाई, 7428525767, इसके अलावा कोई भी नंबर हमारा नहीं है, बहुत फेक चैनल मिलेगा मेरा ही फोटो लगा के, तो उनसे बचना है। या फिर यहाँ पे देखिए, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करिएगा, ये लिंक है टेलीग्राम का, क्लिक करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेमो आएगा, मैच प्रिडिक्शंस आएंगे, सेशंस आएगा हर दिन 2 से 3, तो क्यों नहीं ज्वाइन करना, फायदा आप ही का है, फ्री में अपडेट पाइए, ज्वाइन करिए, या फिर यहाँ पे स्कैन करिए इसको, इसको स्कैन करके भी ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम पे। वेदर कैसा है? 25 डिग्री का टेम्परेचर है, रेन निगेटिव है, ह्यूमिडिटी कम दिखा रहा है, तो ड्यू फैक्टर यहाँ पे ऐसे भी जब दिन का मैच है 2:30 बजे वाला तो मतलब बनता नहीं है, रात में ही ना ड्यू फैक्टर प्रिवेल करता है, तो चलिए इससे तो बच गए, ना फर्स्ट बैट को एडवांटेज ना सेकंड बैट को एडवांटेज, क्लियर मैच होने का संभावना होने वाला है, ठीक है। पिच भी एकदम ट्रू खेलेगा, कोई चेंज नहीं होगा कि फर्स्ट बैट पे अच्छा प्रदर्शन हो गया, दूसरे बैट पे जाते जाते स्लो हो गया, फ्लैट डेक है, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, 176 का एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कितना लगना ही चाहिए। तो कोई भी टीम फर्स्ट बैट करेगी तो उसको भी आप प्लस कर सकते हो, अगर नॉन फेवरेट खेल रही है फर्स्ट बैट पे तो प्लस कर लीजिए, उसके बाद जो लिमिट बन जाता है 0.5 लिमिट, उससे फिर खाइए खेलिए, तो आपका जो पहले का लिमिट है मेन लिमिट वो सेफ है, जीता हुआ लिमिट से अगर आप अर्न कर रहे हो तो फिर आप लॉस में तो नहीं जा रहे हो, तो ऐसे खेलिएगा तो प्रॉफिट में रहिएगा। बाकी इससे डीप रिलेटेड वीडियो मैंने बना के दिया हुआ अपने चैनल पर, एक बार चेक कर लीजिए। पीएसएल क्या कोई भी लीग में लॉस में नहीं चाहिएगा। देखिए 41 मैच हुआ इस वेन्यू पे, 27 और फर्स्ट बैट, 14 बार ही सेकंड बैट, पीएसएल का यही ट्रेंड है, बड़ा स्कोर फर्स्ट बैट करते हुए टीम लगा देती है, उसके बाद वहां पे चेज करते करते टीम रह जाती है, लगता है चेज हो जाएगा। अगर लगता है चेज हो जाएगा ये मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि रेट आ ही जाता होगा। जब बड़ा स्कोर लग रहा है तो 20 पैसा, 30 पैसा, 40 पैसा, वर्स की सिचुएशन में भी 40 पैसा रेट रखेगा ना टीम पे, क्लोज रेट पे। यहाँ पे खा के आइए, चेज नहीं भी हुआ तो आपको अपोनेंट तो फेवरेट मिल ही जाएगी ना, 80 पैसे, 70 पैसे, 60 पैसे, अगर 20 पैसे लग के भी हार गई तो आपको क्या चाहिए मेरे भाई, कम रेट पे मोटा खाओ, पलट के मारो, बुकी को रुला दो ना, क्यों खुद को रोने पे, खुद रुला रहे हो, खेलो। 176 एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर, 245 है मुल्तान का हाईएस्ट स्कोर, और LHQ का 76 रन है लोएस्ट स्कोर। स्कोरिंग पैटर्न देखिए, 150 से नीचे सिर्फ 7 बार लगा है, 152 9 बार और 172 13 बार, 41 मैच में 12 मैच ऐसे हैं जी, मतलब 30% मैच ऐसे हैं जिसमें 190 प्लस स्कोर लगा है, और यहाँ पे ये भी देख लीजिए अनदर 30-60%, तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि सरफेस कुछ लो स्कोरिंग नहीं है। कहाँ से होगा, इतना छोटा बाउंड्री खींच के कर देता है 56 मीटर का चारों तरफ से, और ऊपर से ड्यू फैक्टर प्रिवेल करता है रात के मैच में, फ्लैट डेक रहेगा तो कहाँ से होगा। 200 का टारगेट, ये फाइनल का बात है, ये फाइनल हुआ था लास्ट 3 मैच, देखिए 200 रन मारी ना लाहौर, MS 1 रन से हारी मुल्तान सुल्तान, ऑलमोस्ट चेंज हो गया, वो भी फाइनल का, मतलब जो प्रेशर मैच होता है वहां इतना क्लोज जाना, तो सरफेस सोचिए किस हिसाब का है। 5 विकेट पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में, 1 विकेट स्पिनर्स को, फिर 5 विकेट पेसर्स को और स्पिनर्स को 2 विकेट, फ्लैट डेक पे ऐसे भी स्पिनर्स का कोई लेना देना काम नहीं है, जब तक मदद नहीं है बहुत पिटाएगा, तो उसको हटा के चलिए ड्रीम इलेवन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेटर रहेगा आपके लिए।
दूसरा मैच देखिए 171 का कहाँ डिफेंड होने वाला था, आराम से चेज कर दिया लाहौर जैसा टीम, वो भी 4 विकेट से, 3 विकेट पेसर्स को, 2 विकेट स्पिनर्स को, फिर 4 विकेट पेसर्स को, 1 विकेट स्पिनर्स को, तो ओवरऑल यहाँ पे तो पेसर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं। 183 देखिए हाई स्कोर है, लेकिन 171 तक गई ना टीम, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक भी जाएगी तो रेट दे के जाएगी आपको, कम से कम अगर नहीं भी है तो पीएस आपको 20 पैसे से लग के 90 पैसे गई है इस मैच में भी, तो यहाँ पे भी आप लो रेट ट्रेडिंग करके निकल सकते थे। 12 रन से पीएस जीती, 5 विकेट पेसर्स को, 1 विकेट स्पिनर्स को, फिर 3 विकेट पेसर्स को, सेकेंड इनिंग में 2 विकेट पेसर्स को, 25 विकेट टोटल पेसर्स के पास लास्ट 3 मैच में, और 9 विकेट है सिर्फ स्पिनर्स के, तो पेसर्स टीम लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। हेड टू हेड देखिए यहाँ पे 22 मैच हुए इन दोनों के बीच, 12 मैच जीती है पीएसजेड, क्यूटीजी सिर्फ 9 जीती है, ठीक है, एक मैच नो रिजल्ट रहा है। तो यहाँ पे पेशावर का जो है वो डोमिनेशन देखने को मिल रहा है। गद्दाफी स्टेडियम में 3 मैच हुआ है, पेशावर 3 जीती है, क्यूटीजी को 1 भी नहीं जीतने दी, मतलब अनबीटेबल है इस वेन्यू पे। पाकिस्तान में देखिए 11 मैच खेली है, वहां पे भी पीएसजेड यानी पेशावर 8 जीती है, क्यूटीजी 3 जीती, तो ओवरऑल स्टैट्स के हिसाब से पीएसजेड इज द फेवरेट टू विन। बाकी लास्ट 5 मैच भी देखिएगा तो पीएसजेड 4 जीती है, 1 मैच ही क्यूटीजी को जीतने दिया। रिसेंट फॉर्म देखिए, लॉस है, विन है, विन है, लॉस है, फिर लॉस है, पीएसजेड का 2 मैच जीती है लास्ट 5 में से, इसका लॉस है, विन है, लॉस है, लॉस है, लॉस है, 1 मैच जीती है लास्ट 5 में, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं, प्रेस स्टार्ट कर रही है, बहुत सारे शफलिंग भी हुए, नए नए प्लेयर्स हैं, तो ये पुराना है, पिछले साल का स्टैट्स है। बाकी टीम कंपैरिजन कर लेते हैं, लास्ट 10 मैच का आप देख सकते हैं यहाँ पे पीएसजेड का ओवरऑल कंपैरिजन है, 10-10 मैच दोनों टीम खेली है लास्ट 10 मैच में से, जिसमें से 50% जीती, मतलब 5 मैच पीएसजेड जीती है जो लास्ट 10 मैच खेली है, और ये 30% यानी 3 मैच ही जीती है क्यूटीजी, ठीक है। अब एवरेज इसका 193 का है, फर्स्ट बैट करते हुए इतना खड़ा करती है, तो इससे भी आपको आंकड़ा हो रहा है कि पीएसजेड फर्स्ट बैट करेगी तो सेशन कैसे खेलने हैं। इनका देखिए 169 का ही है, बाकी हाईएस्ट स्कोर 242 है इसका, इसका 253 है, लोएस्ट स्कोर इनका 156 का है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे पीएसजेड डोमिनेट अगेन करते हुए देखने को मिल रही है। अब इस वेन्यू पे गद्दाफी स्टेडियम में बात कर लेते हैं, तो क्यूटीजेड 9 मैच खेली है और ये भी 9 मैच खेली है, ये 50% मैच जीती है, ये 22% थी, तो यहाँ पे भी जो मुद्दे का बात है उसमें पीएसजेड भारी पड़ रही है। एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर इस वेन्यू पे 180 ऑलमोस्ट यहाँ पे खड़ा कर रही है पीएसजेड, तो ये भी ध्यान देने का बात है। इनका देखिए कितना लो है, तो ये सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप यस करेंगे या नॉट हो जाएगा क्यूटीजी जब फर्स्ट बैट पे आएगी, क्योंकि लास्ट 9 से 10 मैच में इनका ये हार रहा है। हाईएस्ट स्कोर 206 का है, लोएस्ट स्कोर 140 का, इनका हाईएस्ट स्कोर 203 का है और लोएस्ट स्कोर 90 का है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, जो काम का बात है उसमें पीएसजेड डोमिनेट कर रही है। पीएसजेड का प्लेइंग 11 का बात करें तो बाबर आजम, टॉम कुलर, कैडमोर, रोमन पॉवल, सैम अयूब, मोहम्मद हारिस, आमिर जमाल, आसिफ अली, गस एटकिंसन, नवीन उल हक, अरशद इकबाल, आरिफ याकूब, ये प्लेइंग 11 हो सकता है पीएसजेड का। इधर बात करेंगे तो जेसन रॉय, डाली डोसो, सरफराज अहमद, सौस, शकील लॉरी, इवेंस, अकील हुसैन, उमर यूसुफ, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद आमिर, उस्मान कादिर और मोहम्मद हसनैन। अब कुछ प्लेयर आए T20 से, वहाँ पे जैसे ही फायरिंग होंगे उसके बाद खेलने आएंगे, 18 तारीख का मैच है, ज्वाइन कर सकते हैं, पास में ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि रेस्ट दे दिया जाएगा। बाबर आजम का देखिए ना, अभी बीपीएल खेलने जबरदस्त फॉर्म में, 47-47, 37-62 लास्ट 4 मैच में ही देखिए जबरदस्त परफॉर्म किया है, कैप्टन, वाइस कैप्टन, ग्लेच ऑप्शन, इनके पास फॉर्म है अभी 8-8 में। पॉवेल भी अच्छे फॉर्म में है, 31-63-14-1-40 अभी खेल के आया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये भी फॉर्म में, ये भी कैप्टन वाइस कैप्टन ग्लेच ऑप्शन, और वेस्ट इंडियन फ्लैट ब्रेक पे डोमिनेटिंग है। टॉम कोलर, कैडमोर 4-1-19-39-68 इनका आईएल T20 में फॉर्म उतना अच्छा नहीं था, हटा के चल सकते हैं। सैम अयूब की बात करें तो 10-2-13-35-17 ये भी फॉर्म में नहीं है, तो इनसे बेटर ऑप्शन है अभी तक तो बाबर और रोमन पॉवेल दिख रहे हैं। मोहम्मद हारिस विस्फोटक बैट्समैन है लेकिन फॉर्म नहीं है इनका भी, 16-22-8-64-18 ठीक है। आसिफ अली का भी देखिए 6-0-4-8-10 इनका काम है फिनिश करना, ऐसे भी ज्यादा पॉइंट ये देखे नहीं जाएंगे आपको। आमिर जमाल 0-0-9-14-41-5-1-0-1-0 बीपीएल खेल रहा है अभी और 5 विकेट निकाला, जबरदस्त फॉर्म में है, इनको पिक करके चल सकते हैं, ऑलराउंडर है। एटकिंसन 0-2-4-1-1 अच्छे फॉर्म में है, इनको पिक जरूर करना है बॉलिंग डिपार्टमेंट में खास करके। आगे चलिए नवीन उल हक का बात करें तो ऐसे 20 में अच्छा बॉलिंग किया है, 0-2-1-0-1 वो अच्छे ऑप्शन है, गस एटकिंसन और नवीन उल हक के साथ आप जा सकते हैं। अरशद इकबाल का बात करें 3-0-1-0-3 इनसे बेटर ऑप्शन यहाँ पे नवीन उल हक रहने वाले हैं। आरिफ आकूब का 3-0-1-1-1 ठीक है, ये स्पिनर है और ये खेल सकता है, लेग स्पिनर है। जेसन रॉय का बात करें तो अभी IL T20 खेला है, उससे पहले ऐसे 20 में खेला है, लास्ट मैच 0-47-24-8-32 इनका पता ही नहीं कि कब चलेंगे, इनका फॉर्म पहले जैसा रहा ही नहीं है, थोड़ा रिस्की पिक है। सरफराज 16-29-3-27-41 ये जितना दिख रहा है ना, ये एक खेला LPL और उससे पहले ये PSL 2023 का है,
बाकी सालों भर इन्होंने टेस्ट खेला है तो इनको पिक करना बेवकूफी ही होगी। इनका रन रेट, स्कोरिंग रेट, स्ट्राइक रेट सब नीचे रहने वाला है। बाकी जेसन रॉय अच्छे पिक है, वो खेल सकते हैं, क्यूटीजी की तरफ से अच्छा परफॉर्म करते हैं हर साल पीएसएल में। राइली डूसा का फॉर्म नहीं देखने को मिला, ऐसे 20 में 10-0, 10-13-1 आउट ऑफ फॉर्म है। अब देखिए सरफेस कैसा मिलता है, बैटिंग कैसा करता है डिपेंड करता है, लेकिन जो भी आउट ऑफ फॉर्म रहता है उसको हटा के चलिए, वो देखते हैं इस लीग में कैसा परफॉर्म करता है स्टार्टिंग एक दो मैचेस, फिर पिक करके चल सकते हैं। 100 शकील, 18-22-44-13-20-0-0-1-1-1, ठीक है, ऑप्शन अच्छा है, ओडीआईस खेलता है, लेकिन यहाँ पे भी आप पिक करके चल सकते हैं। लॉरी हिवेंस बीपीएल से ही अच्छे फॉर्म में, बीबीएल से सॉरी, 7-34-13-21-6, लेकिन आईएल T20 कुछ खास रहा नहीं, लेकिन अच्छे फॉर्म में ये अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं कैरियर लीग के लिए। उमैर यूसुफ की बात करें तो 12-0-31-4-20 कुछ खास फॉर्म नहीं है इनके पास वैसा। अकील हुसैन अच्छे फॉर्म में, 07-24-07-00-1-20, अभी IL T20 में बॉलिंग अच्छा किया है, 0 तो नहीं मिले 2 विकेट, फिर उससे पहले 1 विकेट ऐसे निकाला है इन्होंने, तो ये अच्छा ऑप्शन है आपके पास। मोहम्मद वसीम जूनियर 1-0-2-2-0, ये अभी ऑलराउंडर अपने आपको बोल रहे हैं और बैट से ही थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर देते हैं, इनके पास अच्छा है रिवर्स स्विंग है तो फास्ट बॉलिंग में बेटर ऑप्शन है, लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन यहाँ पे मोहम्मद आमिर रहने वाले हैं जो 0-1-2-3-1 लास्ट मैच ही छोड़िए, बाकी सब मैच में विकेट निकाला। IL T20 इनका जबरदस्त गया है, शाहिन साथ अफरीदी से भी अच्छा बॉलिंग किया इन्होंने। हसनैन 1-2-0-1-1, उस्मान कादिर 2-1-0-1-0, ये अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल के आएगा यहाँ पे सीधा। तो बाकी अब टीम देख लेते हैं किस प्लेयर को पिक करना है नहीं पिक करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सरफराज अहमद के साथ मैं जा रहा हूँ, मोहम्मद हारिस, जैसन रॉय, बाबर आजम, टॉम कोलर, कैडमोर, सौ शकील, रोमन पॉबल, आमिर जमाल, मोहम्मद आमिर, अमीरुल हक और मोहम्मद वसीम। कैप्टन के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे जैसन रॉय मैंने बोला क्यूटीजी की तरफ से अच्छा परफॉर्म करता है और बाबर आजम नेक्स्ट लेवल फॉर्म में है ही, तो हेड टू हेड में बेस्ट ऑप्शन है। बाकी रोमन पॉबल एक अच्छा ऑप्शन होने वाले कैप्टन के लिए, वाइस कैप्टन आप इनके साथ जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये भी एक अच्छे ऑप्शन है, अच्छा परफॉर्म करते हैं पीएसएल में, ठीक है। मोबाइल नंबर सबके लिए 7428-52-5767, कोई भी डाउट है इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, और नीचे राठौर प्रेडिक्शन 07 उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं सर्च करके भी, टेलीग्राम को राठौर प्रेडिक्शन 07 और 7428-52-5767 पर कांटेक्ट करिए मैच एसोसिएशन खेलना है तो। चलिए मोबाइल अभी टेक गुड नाइट।